अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनान होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों का कभी कभी बीपी जो है हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है, मतलब कंस्टेंट जो है ब्लड प्रेशर इनका नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मसलन जब बीपी की दवाई खाते हैं तो बीपी लो हो जाता है, और जब बीपी लो हो जाता है तो कोई मेडिसिन उसकी होती नहीं है, तो पानी वगैरह पीते हैं या फिर ORS वगैरह लेते हैं तो बीपी जो है हाई हो जाता है। तो अगर आपकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा है या फिर 60 साल है या 80 साल से ज़्यादा है और आपकी जो है ब्लड प्रेशर जो है कंसिस्टेंट नहीं रहती है, तो आज मैं आपको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाला हूं। तो हमारे बुज़ुर्गों का मोस्टली हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो एलोपैथी की मेडिसिन या होम्योपैथी की मेडिसिन या फिर कोई भी पैथी की मेडिसिन लेते हैं तो बीपी इनका लो हो जाता है। लेकिन कभी कभी बीपी बढ़ने की बजाय लो ही रहता है, तो उनको फिर कमज़ोरी होने लगती है और फिर इन्हें मेडिसिन जो है बंद करनी पड़ती है, कुछ खाना पीना पड़ता है, फिर इनका बीपी जो है हाई होता है, तो इससे वो परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपका मसला ये है तो आप जो है ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज को आपने जो है 1 ml में लेना है। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये वीकनेस को भी कम करती है और इसके अलावा बीपी जो है उसको नॉर्मल रखती है, और लो बीपी अगर आपका रहता है तो उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है क्रेटिकस। क्रेटिकस को आपने मदर टेंचर की पावर में लेना है। ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये एक हर्ट अटानक के तौर पर काम करती है। इसके अलावा ये दिल के जो मसल्स हैं उसको भी ये मजबूत करती है। इसके अलावा हार्ट अटैक होने के जो लामते हैं उसको ये दूर करती है, उससे ये बचाती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसके अलावा थायरोस्क्लेरोसिस की बीमारी जो है अगर आपको होने के चांसेस होते हैं या अगर हुई भी है तो उसको भी ये ठीक कर देती है। इसके अलावा ये बीपी को भी रेगुलेट करती है। अगर आपका बीपी हाई होता है तो उसको ये नॉर्मल करती है, अगर आपका बीपी लो है तो उसको भी ये नॉर्मल कर देती है। तो यानी ये बीपी को रेगुलेट कर देती है। तो जो दोनों मेडिसिन आपने लेनी है लगातार कुछ अर्सा तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो को मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।